नए बस स्टैंड में मुसाफिर महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास। रीवा के नए बस स्टैंड में देर रात बस का इंतजार कर रही एक महिला नशेड़ियों के हवस का शिकार होते होते बच गई। आरोपियों के चुंगल से छूटकर महिला सीधे थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक संदेही को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चार अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित महिला छत्तीसगढ़ की निवासी है, जो अपनी बहन एवं भाई के साथ रीवा के नए बस स्टैंड में देर रात बस का इंतजार कर रही थी। मुसाफिर खाने में बैठी महिला को अकेला समझकर आरोपी उसे बस में ले गए और ये कहा कि सुबह यही बस जाएगी। इसके बाद आरोपियों की संख्या बढ़ने लगी। नशे में धुत 5 की संख्या में आरोपियों ने महिला को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। तभी खाना लेने भाई और बहन महिला को तलाशते हुए बस के पास पहुंच गए। भाई बहन को आता देख आरोपियों की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी महिला मौके पर आकर बस से बाहर आ गई। महिला द्वारा अपने साथ हुई इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बस के ऊपर एक संदिग्ध आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चार अन्य आरोपी मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला छत्तीसगढ़ की निवासी है, जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रीवा आई थी। चुनाव के कारण बस न मिलने के कारण वह बस स्टैंड में ही बस का इंतजार कर रही थी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। बस में क्या हुआ? नहीं, बस में हम लोग बोला आदमी को बैठा के हमको ले गया, लेकर छेड़खानी किया। ये कितने लोग थे? लोग 4-5 लोग थे। कहाँ जाना था आपको? हमको वो बोल दिया कि वहाँ सो लेना, रात भर काट लेना, उसके बाद चले जाना। सो कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 लोग। आप हैं और कौन है? मेरा भाई है, मेरी बहना है। जबरदस्ती कर रहे थे? हाँ। कितने लोग दारू पिए हुए थे क्या? हाँ, जी। कितने लोग थे? लोग 5 जन। 5 लोग। कितने लोग पकड़े गए अभी? पुलिस को बताया आपने? एक ही जने पकड़े। बाकी 4 भाग गए। हाँ।